क्या आपके डिवाइस अच्छे हार्डवेयर होने के बाद भी स्लो परफॉर्म कर रहा है, आप सिस्टम को ऑन करते हो एंड बूट अप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्या आप जानते हो कि एक स्लो पीसी आपकी प्रोडक्टिविटी को किस हद तक इंपैक्ट कर रहा है। हाउ एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिनिकल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सत्यजीत, एंड आज की वीडियो के थ्रू जानेंगे कैसे आप अपने स्लो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हो। आज किसी थर्ड पार्टी पीसी बूस्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की इन हाउस टूल माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर एक फ्री टूल है एंड एक ऑल इन वन पावरफुल टूल है, जिससे हम अपने कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट अप कर सकते हैं, स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं, पॉपअप को मैनेज कर सकते हैं एंड टाइम टू टाइम पीसी हेल्थ चेक भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मेरा पीसी एंड लैपटॉप में, एंड सही मानो तो ये मेरा पुराना लैपटॉप को भी एक ब्रांड न्यू फील देता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड देखिए कैसे हम इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ये एप्लीकेशन हमारा जो स्लो कंप्यूटर है उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करते हैं, एंड जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर की अदर फीचर्स के बारे में। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पीसी मैनेजर डाउनलोड करने के लिए आपको अपना जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वहां पर आ जाना है एंड आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर। एंड माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर जो सर्च रिजल्ट है उसमें जो पहला पेज आपको दिख रहा है pcmanager.microsoft.com, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। pcmanager.microsoft.com की पेज पे आते ही आप लोगों को दिख जाएगा कि सेफगार्ड योर पीसी नाउ क्वाइट एंड रिलायबल वे, एंड आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर सिर्फ विंडोज 10 एंड 11 को सपोर्ट करता है, एंड विंडोज 10 के लिए आपका जो ओएस का बिल्ड वर्जन है वो 19042 एंड एवर वर्जन होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर को हम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टोर से डाउनलोड करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, यहाँ पर जाके भी पीसी मैनेजर सर्च करना है। पीसी मैनेजर सर्च करते ही जो पहला रिजल्ट आएगा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको गेट का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट पे क्लिक करते ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या ब्राउजर से जाकर आप डाउनलोड करके इंस्टॉलर को रन करते ही वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग विंडोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही पीसी मैनेजर को डाउनलोड कर लेते हैं। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग फिर से बैक करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर यहाँ पर डाउनलोड तो माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमें लॉन्च का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर इंस्टॉल होने के बाद जो इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, एंड इस इंटरफेस में हम लोगों को मिनिमाइज बटन का ऑप्शन मिल जाता है, क्लोज बटन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कोई मैक्सिमाइज बटन का ऑप्शन हम लोगों को नहीं मिलता है। तो आप ये जो विंडो आपको दिख रहा है ये विंडो को आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, एंड चलिए इसके अदर फीचर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ही हम लोगों को बाएं तरफ होम बटन का ऑप्शन मिलता है। होम बटन बेसिकली कंसिस्ट करता है जो नीचे और भी सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें से जो मेन फीचर्स है, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर की वेबसाइट पे भी हम लोग देखे थे एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे भी आप लोगों को बताया था कि आप इससे क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर पीसी बूस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, हेल्थ चेकअप का ऑप्शन मिल जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, डीप क्लीनअप का ऑप्शन मिल जाता है एंड स्टार्टअप मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ और भी ज्यादा फीचर्स हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो पहले हम होम बटन को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीसी बूस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो पीसी बूस्ट में आपको बाएं तरफ मेमोरी यूजेस आपको दिख रहा होगा एंड टेम्पररी फाइल्स 360 MB का दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बूस्ट ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पे बूस्ट पे क्लिक करते हो तो ये जो टेम्पररी फाइल्स जो अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स होता है उसको ये डिलीट कर देगा, एंड मेमोरी अगर कोई अनवांटेड मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है कोई ऐप एप्लीकेशन या प्रोसेस तो उसको भी ये किल कर देगा। एंड इसके बाद हम लोगों को
हेल्थ चेक का ऑप्शन मिल जाता है। हेल्थ चेक बेसिकली आपके डिवाइस पे इश्यूज एंड जो भी आपको विंडोज कैश है, टेम्पररी फाइल्स, सिस्टम लॉक फाइल्स होते हैं एंड इसके साथ कोई स्टार्टअप एप्स, जो भी इसका रिकमेंडेशन रहता है वो आपको रिकमेंड करता है। तो अगर जैसे यहाँ पर आप आइटम्स टू क्लीन अप का ऑप्शन मुझे मिल रहा है एंड इसके साथ स्टार्टअप ऐप टू डिजेबल का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर यहीं से मैं मैनेज कर सकता हूँ स्टार्टअप ऐप को अगर मैं डिजेबल करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं अभी इसको अनचेक रखता हूँ क्योंकि बाद में जाके हमें और एक जगह पे भी सेम चीज देखने को मिलेगा। तो इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ, तो ये सारा जो भी फाइल्स था इसको क्लीन कर देगा। फिर से हम लोग होम पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जब विंडोज लॉग्ड इन हो तो आपका बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस रन हो रहा है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई अनवांटेड एप्लीकेशन या प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप उसको एंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो OBS स्टूडियो मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है क्योंकि मैं इसी के थ्रू स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मुझे दिखा रहा है एंड कितना मेमोरी ये यूजेस कर रहा है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डीप क्लीनअप का ऑप्शन है। डीप क्लीनअप बेसिकली आपका सारा सिस्टम को चेक करेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन रिलेटेड कैशेज, सिस्टम अपडेट का अगर कोई फाइल, विंडोज अपडेट का जो अगर कोई फाइल मीन्स आप विंडोज अपडेट इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो लेकिन उसके बाद भी कुछ रेसिड्यूल्स रह जाते हैं आपके सिस्टम पे, तो ये सारा कुछ चेक करेगा एंड आपको ऑप्शन देगा कि आप उसको अगर चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी डिलीट करो बेसिकली आपके सिस्टम पे वो कोई हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आप अगर क्रोम पे काम करते हो या ब्राउजर रिलेटेड मीन एज पे काम करते हो तो आप थोड़ा देख लेना कि आपको अगर कैशे कुकीज रिक्वायर्ड है, आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो आप एक बार देख लेना। नहीं तो बाकी सिस्टम क्लीनअप के लिए जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलता है सेफ है, डाउनलोड मतलब इसको क्लीन करने के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर सिस्टम क्लीनअप पे विंडोज अपडेट क्लीनअप दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस यहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल्स पे डिटेल्स भी देख सकते हो कि आप एक्चुअली क्या डिलीट करने जा रहे हो। एंड यहाँ पर वेब कैशे में हम लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोरर का कैशे एंड एज की जो कैशे वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ये सारा क्लीन कर देगा। तो आप देख पा रहे हो हम लोग एक्चुअली डीप क्लीनअप पे थे लेकिन वो जब डीप क्लीनअप पे थे वो स्टोरेज पे सिलेक्ट हो गया था क्योंकि डीप क्लीनअप जो है स्टोरेज में भी हमें बाद में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्टअप नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्टार्टअप, यहाँ पर मैं एक्चुअली VM पे रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या IDM को सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया था। तो आप जब एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते वक्त अगर स्टार्टअप ये इसका इनेबल रहता है तो आप जब विंडोज बूट करोगे तो विंडोज सिस्टम को जब आप ऑन करोगे एंड उसको बूट करोगे, बूट करने के बाद जो प्रोसेस टाइम है बूट होने का एंड बूट होने के बाद आपका सिस्टम जो है कि नॉर्मल स्टेट पे बैक करने के लिए जो टाइमिंग है वो स्टार्टअप ऐप्स इंक्रीज करता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में उसी टाइम पे स्टार्ट होने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इसका जो स्टार्टअप इम्पैक्ट है हाई है। तो मुझे सिस्टम ऑन होने के बाद इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर की तुरंत कोई जरूरत नहीं पड़ता है तो मैं इसे बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने होम सेक्शन को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। तो प्रोटेक्शन पे यहाँ पर आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पर, अगर आप स्कैन पे क्लिक करो तो आपका जो विंडोज सिक्योरिटी का जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड स्कैन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाएगा। एंड इसके साथ इसको हम लोग बैकग्राउंड पे मिनिमाइज कर देते हैं। उसके साथ आप यहाँ से विंडोज अपडेट को भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर कुछ अपडेट्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑलरेडी कुछ फेल्ड हुआ है एंड एक दो फर्मवेयर भी अपडेट हुआ है जिसके लिए मुझे सिस्टम रिस्टार्ट के लिए पूछ रहा है। एंड यहाँ पर डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग्स जो होता है, अगर मीन्स डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग्स मीन्स यहाँ से आप डिफॉल्ट एप्स जो है उसको मैनेज कर सकते हो। इसके साथ आपको टास्क बार रिपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। टास्क बार रिपेयर बेसिकली अगर टास्क बार में कोई दिक्कत हो रही है या विजुलाइजेशन का कुछ इश्यूज हो रहा है तो आप यहां से उसको रिपेयर कर सकते हो। यहां पर कुछ मुझे रिपेयर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अगर कुछ इश्यूज है तो डिटेक्ट करेगा एंड आपको दिखाएगा।
इसके साथ फिर से सेम ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है, नहीं ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर आप ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए आप गेट ऑफिस यहीं से क्लिक करके अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हो। एंड इसके साथ वेब पेजेस के लिए कौन सा डिफॉल्ट ऐप आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप डिफॉल्ट ऐप्स के सेम पेज में ही आ जाओगे। इसके बाद प्रोडक्शन में हम लोगों को पॉपअप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। पॉपअप मैनेजमेंट अगर आप इसको पॉपअप ब्लॉक को एनेबल करते हो तो इसमें सिंपली क्या करेगा, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें एड रन होता है, तो अभी इस पॉपअप मैनेजमेंट को अगर एनेबल करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा जितना भी ये एड होता है उसको ब्लॉक करने का कोशिश करेगा। तो प्रोटेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्टोरेज में आ जाएंगे। तो स्टोरेज में देखिए आप स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट पे आप यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अब अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये टोटल व्यू आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज ओवरव्यू में टोटल आपका जो डिस्क स्पेस है वहां पर कैसे सी ड्राइव में कितना डिस्क आपका कहाँ पे कौन सा फाइल कितना यूटिलाइज किया है ये सारा आपको एक ओवरव्यू के तरह दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सजेशन में क्लीन लार्ज फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डुप्लीकेट फाइल्स की ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज डाउनलोड फाइल्स की ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, जैसे आप इस पे अगर क्लिक करते हो आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। डीप क्लीनअप अगर आप क्लिक करते हो तो प्रोसेस से कुछ कर रहा है, देखिए डीप क्लीनअप अगर आप करते हो तो आपको सेम क्लीनअप के लिए यहाँ पर अभी ज्यादा कुछ फाइल है नहीं तो इसलिए ज्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप अपने पीसी पे अगर चेक करोगे इसको इंस्टॉल करके तो आपको बहुत ज्यादा फाइल आई एम श्योर आपको दिखेगा। तो मैं प्रोसीड कर देता हूँ, इसको क्लीन भी कर देता हूँ, डन हो गया। तो अभी फिर से बैक सेम ऑप्शन पे आ चुके हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो सेम विंडो ही खुलेगा। यहाँ पर आपको चार जो ऊपर से ऑप्शन स्टोरेज ओवरव्यू देखिए, स्टोरेज ओवरव्यू, डाउनलोड फाइल्स, लार्ज फाइल्स, डुप्लीकेट फाइल्स का जो ऑप्शन है यहीं से सेम यहाँ पर भी आपको बाएं तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारा जो भी डाउनलोडेड फाइल्स है अगर आप एक जगह से ही मैनेज करके उसको डिलीट या रखना चाहते हो आप यहीं से उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लार्ज फाइल्स, ये सारा सिस्टम को एनालाइज करेगा एंड उसके बाद आपके सिस्टम पे जो अवेलेबल लार्ज फाइल्स है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से साइज भी फिक्स कर सकते हो कि आपको कितना एग्जैक्ट मतलब कौन सा साइज का फाइल आप टारगेट कर रहे हो जो आप देखना चाहते हो कि आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। अगर आप ग्रेटर देन 1 GB फाइल को देखना चाहते हो तो जैसे यहाँ पर कोई ग्रेटर देन 1 GB फाइल मेरे सिस्टम पे है नहीं तो यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन 100 MB की है तो मुझे यहाँ पर जो भी मेरा 100 MB से ऊपर मेरा कोई भी फाइल है तो यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों के पास ऑप्शन आता है स्कैनिंग डुप्लीकेट फाइल्स का, तो यहाँ पर आप बेसिकली जानते हो ये डुप्लीकेट फाइल्स को स्कैन करेगा। अगर कोई डुप्लीकेट फाइल्स यहाँ पर देख रहा है आपको मिल रहा है देखने को तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे मेरे यहाँ पर वन ड्राइव सेटअप का 3 फाइल दिख रहा है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर परमानेंट डिलीट पे कंफर्म करते हैं ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन हम लोगों को मिलता है स्टोरेज सेंस, बेसिकली ये सेटिंग्स पे भी हम लोगों को मिल जाता है। तो स्टोरेज सेंस बेसिकली क्या है, स्टोरेज सेंस तब काम करता है जब आपका डिस्क स्पेस लो हो जाता है तो ये जो भी अनवांटेड फाइल्स होता है ऑटोमेटिकली क्लियर करता रहता है डिस्क स्पेस को अप करने के लिए। तो इसके बाद हम लोगों को एप्स ऑप्शन मिल जाता है, सेम चीज है प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे हम लोग पहले भी देखे थे होम ऑप्शन पे। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट सेम है, स्टार्टअप एप्स भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अनइंस्टॉलेशन, कोई भी ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है आप यहीं से अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो आप बेसिकली appwitch.cpl या कंट्रोल पैनल से जाके ऐड रिमूव प्रोग्राम से जो आप मतलब ऑपरेशन कर सकते हो आप यहां से भी मैनेज कर सकते हो। तो बाएं तरफ फिर टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर आप लोग टूल बॉक्स एक अच्छा मुझे फीचर्स लगा, यहाँ पर शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप अगर आप इसको एनेबल करते हो तो आपको एक छोटा सा डॉग दिखने को मिल जाएगा। इस डॉग को आप किसी भी जगह पे अप डाउन लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हो एंड आप डेस्कटॉप पे क्लिक करती है ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर बूस्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ विंडोज टूल इसको इंटीग्रेटेड किया गया है, जैसे स्क्रीनशॉट आप एक सिंपल यहाँ पर क्लिक करके स्निपिंग टूल
या स्क्रीनशॉट जो भी कहते हो आप उसको इनेबल कर सकते हो, और आपको ये जो डॉक दिख रहा है इसमें भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके साथ नोटपैड वगैरह, कैलकुलेटर, स्क्रीनशॉट मीन्स आप जो स्क्रीनशॉट अभी लिए उसके उसका जो फोल्डर होता है बेसिकली स्क्रीनशॉट फोल्डर हम लोग कहते हैं, तो स्क्रीनशॉट फोल्डर को भी डायरेक्ट ऐप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। एंड ये बेसिकली ये जो डॉक है यहाँ पर सेटिंग से भी आप मैनेज कर सकते हो कि आप कौन सा टूल को यहाँ पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर ऐड टूल पे करते हो तो आप जो भी ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, जैसे अब मैं सोचूं कि स्क्रीनशॉट फोल्डर आप एक कुछ नहीं आपका डॉक को थोड़ा लंबा करता जाएगा, तो इसको आप मैनेज कर सकते हो आपके अपने प्रेफरेंस के अनुसार। एंड यहाँ पर हम लोगों को स्क्रीनशॉट फोल्डर, रिकॉर्डर, कैप्शन, नोटपैड, कैलकुलेटर के साथ कुछ वेब टूल फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोगों को बाएं तरफ रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका पीसी मैनेजर सही से काम नहीं कर रहा है या इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप यहीं से एप्लीकेशन को रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों को सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। एंड सेटिंग्स में हम लोगों को एक स्मार्ट बूस्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो स्मार्ट बूस्ट जो है ये बेसिकली क्या काम करता है, आपका डिवाइस पे अगर टेम्पररी फाइल्स जो होता है ना, टेम्पररी फोल्डर्स हम लोग जो कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट पे कुछ ना कुछ टेम्पररी फाइल्स वहां पर जमा होता रहता है, तो अगर वो उसका साइज 1 GB एंड अबव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट बूस्ट अगर इनेबल रहेगा तो उसको डिलीट कर देगा। एक जगह पे काम पे आता है जब आपका सिस्टम का मेमोरी यूटिलाइजेशन अगर बहुत ज्यादा हाई पे जा रहा है तो उसको मैनेज करने में ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट करता है। तो सही मानो तो इसको आप इनेबल रख सकते हो। उसके बाद शॉर्टकट सेटिंग्स है एंड जनरल सेटिंग्स में हम लोगों को देखने को मिलता है स्टार्ट पीसी मैनेजर ऑटोमेटिकली व्हेन आई साइन इन टू विंडोज, मींस ये बेसिकली स्टार्टअप ऐप इनेबल ऑप्शन ही है, मींस आप जब विंडोज को ऑन करते हो तो अगर ये आप इनेबल रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ और कुछ ऑप्शन नहीं है, पर फीडबैक अगर कोई आप फीडबैक शेयर करना चाहते हो, अगर इस एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप इस फीडबैक फॉर्म के थ्रू आप यहाँ पर बता सकते हो। तो यही था पीसी मैनेजर की जो ओवरव्यू एंड इसके फीचर्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। हम लोग देखे कि पीसी मैनेजर की जो फीचर्स है उसको यूज करके आप कितनी आसानी से अपनी पीसी का जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको बरकरार रख सकते हो। कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। एंड हम में से बहुत कोई पीसी यूज तो करते हैं लेकिन उसको पीसी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज तो करते हैं लेकिन उसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज यूज कर रहे हो उसका मेंटेनेंस बहुत 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 जरूरी है। अगर आप ठीक से उसको मेंटेन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारा इश्यूज फेस करना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो था आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग पॉलिनिकल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि पॉलिनिकल एक नया चैनल है एंड इस चैनल के पीछे जो मोटिव है वो आप लोगों को इंट्रो वीडियो में ही मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे इसी तरीके से पॉलिनिकल को सपोर्ट एंड अपना प्यार देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक। थैंक यू।